नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं लेह में हूँ फिलहाल। तो लेह में मैंने डॉमेट्री ली थी, लगभग मेरे को 200 रुपये पड़ा हुआ था। तो ये जो है डॉमेट्री है, लेकिन लॉकर सिस्टम वगैरह कुछ नहीं, अपने सामान की खुद ही आपको देखभाल करनी पड़ेगी। तो अपना लगेज है, तो अभी मैं चेकआउट करने वाला हूँ। तो बाहर चल के लेह में क्या क्या देख सकते हैं देखेंगे विद इन सिटी। और ये जो है बस जा रही है, लोकल बसेज है यहाँ की, तो जितना कुछ कवर कर सकते हो करेंगे। ले तो आना एक बहाना था सिर्फ मेरे को, जो सोनमर्ग से ले से मनाली जो रास्ता है वो एक्सप्लोर करना था सिर्फ। यहाँ पर पत्थर, पहाड़, बर्फ़, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर बहुत सारी मोनेस्ट्रीज भी है। फ्रेंड्स, ये वाला बंदा जो था कल से मेरे को एंटरटेन कर रहा है, साथ ही में था डोमेट्री में, तो अभी इसी के साथ घूमने वाला हूँ। तो इस होटल में जहाँ पे मैं रुका हुआ था, बहुत मस्त है, ये गार्डन के जैसा बनाया गया है। तो ये गेस्ट हाउस है, तो यहाँ पर आप कभी भी आइए, कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे है, डोमेट्री 2 से में मिल जाएगा रूम, बाकी आपके हिसाब से कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिए। सबसे पहले मेरा जब काम था वो कर रहा हूँ, अभी टिकट निकालना है जो होगा लेह से मनाली के लिए, लेकिन डायरेक्ट मनाली नहीं मिलेगा, केलांग के लिए मिलेगा। तो ये बस स्टॉप पे आया हूँ, तो यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा देखिए, बर्फ़ वाली भी पहाड़ी है यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की बसेज लगती है, तो पहले टिकट कटवा लेते हैं अभी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेज भी है जो लेह से आजू बाजू के विलेजेस में जाती है, जैसे कि नुब्रा हो, पेंगोंग हो, बहुत सारी है। तो वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ पे जाती है। तो विद इन सिटी जो एक्सप्लोर करना होगा वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पर अभी टिकट लेना है अपने को। होटल से लगभग एक 5 मिनट ही चलाऊँगा, सांस फूलने लग गए। यहाँ पे अच्छी खासी धूप है और नज़ारे देखिए यहाँ के, और यहाँ पर बर्फ़ वाले पहाड़ है इस तरफ, और यहाँ से जो है हमें लेह पैलेस की तरफ चलते जा रहा हूँ। चलिए आप भी देखिए कुछ नज़ारे यहाँ के। लेह मेन सिटी की ओर जा रहे हैं अभी हम बस स्टैंड से। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे फोटो खींचना था तो वीडियो बन गया। तो दोस्तों, अभी उस पहाड़ी की तरफ जाना है हमको। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको ये वाला नज़ारा? बहुत सारे मोनेस्ट्रीज भी है। ये जो रास्ता है दीक्षित, खालसर, खारदुंगला की तरफ जाता है। तो अभी जो है कठिन चढ़ाई शुरू होने वाली है, और बैग्स भी है, देखते किसी से लिफ्ट मिलता है क्या। अभी इस सर ने हमको लिफ्ट दे दी है, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक छोड़ देंगे। तो सर यहीं से बिलोंग करते हैं। तो लगभग हमने 2 से 3 किलोमीटर जो है इस गाड़ी में ट्रैवल किया था सर के साथ में। तो उस टाइम पे बहुत सारी बातचीत हो गई, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो क्या नहीं। तो ट्रैवल टॉकीज मेरा चैनल का नाम है, ये सब बता दिया था उनको। तो फिर उन्होंने उनको जो है डायरेक्टली पैलेस छोड़ दिया। तो दोस्तों, यहाँ से लेह सिटी का नज़ारा देख सकते हो आप, और इस तरफ जो है पैलेस है। तो जस्ट हम उतरे हैं तो सर ने डायरेक्टली यहाँ पर छोड़ दिया हमको। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ अभी लेह पैलेस की तरफ। चारों तरफ एकदम मस्त पहाड़ दिख रहे हैं, और मैं लगेज के साथ यहाँ पहुँचा हूँ। हम दोनों यहाँ पर पहुँच चुके हैं लेह पैलेस पे, तो चलिए भीतर चलने की कोशिश करते हैं अभी। तो QR कोड स्कैन करके आप पेमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे।
लेह पैलेस अपने राजधानी शहर में स्थित एक शाही महल है। लेह जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। 17वीं शताब्दी में नामग्याल राजवंश के संस्थापक त्यावांग नामग्याल द्वारा वर्ष 1553 में निर्मित 17वीं शताब्दी के शेर राजा के रूप में जाने जाने वाले सिंग गे नामगले द्वारा पूरा किया गया। यह शाही परिवार के निवास के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था और निचली मंजिलों के में अस्तबल और स्टोर रूम थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में शाही परिवार को अपना ठिकाना स्टोक पैलेस में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा और 19वीं शताब्दी में डोंगरा बलों के जोरावर सिंह कहलूरिया ने लेह महल पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। लेह महल में 9 मंजिल है जिनका गौरवशाली दिनों में अलग अलग उद्देश्य था। यह लासा के लोकप्रिय पोटाला पैलेस से मिलता जुलता है। लेह पैलेस की संरचना इस तरह से बनाई गई है कि यह गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में काफ़ी गर्म लगता है। यह लकड़ी रेत मिट्टी और पत्थरों से बना है। इतिहास प्रेमियों के लिए महल में एक और खास बात यह है कि यहाँ पर 450 साल पुरानी पेंटिंग मुकुट और आभूषण प्रदर्शित है। हालांकि महल के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। लेह पैलेस राजधानी शहर में स्थित है और लेह घूमने का सबसे अच्छा समय मध्य अप्रैल से अक्टूबर की शुरुआत तक है और लेह पैलेस को अपनी लेह लद्दाख यात्रा के दूसरे दिन या और ज़्यादातर दोपहर के भोजन के बाद शाम को देखा जा सकता है। घूमने का समय जो है लेह पैलेस हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए खुला रहता है। लेह के पुराने शहर में तमोसो पहाड़ी पर स्थित लेह शहर से केंद्र लगभग 2.5 किलोमीटर और लेह हवाई अड्डे से 4.5 किलोमीटर दूर है। आमतौर पर लेह पैलेस का दौरा दोपहर के भोजन के समय या दोपहर के भोजन के बाद किया जाता है और लेह पैलेस में प्रवेश करने से ठीक पहले कुछ पहाड़ी रेस्टोरेंट और शीर्ष पर कुछ मैगी पॉइंट भी है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप शांति स्तूप, शंकर गोम्पा, विजय गोम्पा और लेह पैलेस के आसपास की कुछ और जगहों को भी देख सकते हैं। लेह शहर में ATM आसानी से उपलब्ध है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप हमेशा अपने साथ नकदी रखें। ये तो सबको पता ही है, फिर भी जो मेरे को ऑनलाइन पे मिल गया था जितना भी इन्फॉर्मेशन तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया था, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब भी आप पैलेस घूमने जाइए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिएगा। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं, ऐसा स्क्रिप्टेड में मेरे को ऑनलाइन मिला, लेकिन वहाँ पर मैंने पूछा था कि क्या मैं अंदर फ़ोटोज़ वगैरह ले सकता हूँ क्या। हाँ, आप आपके मोबाइल से फ़ोटोज़ ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। सिर्फ आप वीडियो मत बनाइए, उन्होंने बताया था। अगर आपको वीडियो लेना है तो आपको परमिशंस वगैरह बहुत कुछ होता है, वो प्रोटोकॉल उनका फॉलो करना पड़ेगा, फिर जाके आप वीडियो वगैरह शूट कर सकते हैं। मेरे पास उतना वक्त तो था नहीं, तो बोला चलिए अपना जो रेगुलर फोटोग्राफ्स हैं हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्राचीन पेंटिंग से लगभग 450 साल पुरानी, वो मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। मैंने पैलेस में जितना भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगा उन सारी चीज़ों की जो है मैंने तस्वीरें खींची है मेरे मोबाइल से, और पैलेस के बाहर जितना मैं रिकॉर्ड कर पाया था कैमरे से वो मैंने किया हुआ है। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग थे बहुत ही अच्छे से बता रहे थे पैलेस के बारे में, इन्फॉर्मेशन है बहुत जगह पर, आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे कि एक लाइक पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं और फ़ोटोज़ वगैरह भी आप अच्छे से खींच सकते हैं, सिर्फ वीडियो नहीं बना सकते हो आप। पहले फ़ोटोज़ के लिए भी शायद मना था, तो बाद में उन्होंने फ़ोटोज़ अलाउ कर दिए मोबाइल से।
तो यह पैलेस देखने के लिए आप लगभग 2 घंटे रख सकते हो आपके पास। तो 2 घंटे में अच्छे से आप एक्सप्लोर कर सकते हो कोने कोने से। अगर आप जल्दी जल्दी में देखना चाहते हो तो ये लगभग आपका आधा घंटा में हो जाएगा सारी मंजिलें देख के। तो जो सबसे ऊपर वाला मंजिला था उसको लॉक था, शायद 9th लेवल वगैरह होगा। तो उधर अंदर ऐसा एक रूम के जितना ही जगह होगा सारे मंजिलों में। लेकिन जब आप सीलिंग की तरफ देखोगे ना, ये देखिए यहाँ पर सीलिंग जो है सब बैम्बूज वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये बहुत ही पुराना है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है G20 का। वहाँ पर एक पोस्टर देखा था मैंने जिस पर लिखा हुआ था कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो बहुत सारी जानकारी आपको गूगल से भी मिल जाएगी। और जितना मैं आपको दिखा सकता था इस पैलेस के बारे में, जानकारी दे सकता था, वो मैंने आपको दिखाया है। तो पैलेस के ऊपर से मैंने कुछ तस्वीरें वगैरह भी खींची थी, जहाँ से आपको ले सिटी माउंटेन्स वगैरह देख सकते हो आप, यहाँ पर बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ। और यहाँ पर इतना ठंड था आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मेरे होंठ लगभग 1-2 घंटे में ही फटने लग गए थे यहाँ पर आने के बाद में। हालांकि ठंड तो मेरे को रात से ही बज रही थी यहाँ पे जब मैं पहुँचा हुआ था, लेकिन मेरे को अंदाज़ा आ गया कि अभी मेरे होंठ जो है फटने लग गए थे, लिप्स। तो मैंने लिप बाम ले लिया यहाँ से निकलने के बाद में। तो आप जब भी ठंड जहाँ पे होती है वहाँ पर आप जाओ तो आपका लिप बाम साथ में कैरी कर लीजिए, या फिर वैसलिन लेके रखिए, नहीं तो वो एक अलग ही टाइप का आपको दुखना चालू होगा। तो दोस्तों ये वाला जो वीडियो है ले का, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो है मैंने यहाँ पे जो अपना रेगुलर मोबाइल होता है सादा वाला, उससे फ़ोटो खींचिए, इसीलिए फ़ोटो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आई है। मैं हमेशा फ़ोटोज़ अपने कैमरे से ही खींचता हूँ, और जो अभी अपने पास साधन होता है उसी से मैंने ये फ़ोटोज़ कैप्चर किए हैं। तो आप यहाँ तक वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो है ना, आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलो चले। तो दोस्तों पैलेस के अंदर वीडियो बनाना तो अलाउ नहीं था, तो फिर वहाँ पर जो है मैंने फ़ोटोज़ खींचे। तो फ़ोटोज़ के साथ में आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। तो ये ले पैलेस का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।